जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना पंजाब रेजिमेंटल सेंटर एंड सिख रेजिमेंटल सेंटर भर्ती 2021-2022 के बारे में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। और आप यहाँ पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस भर्ती के बारे में पूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या सैलरी आपको दी जाएगी, क्या आपको इस जॉब के ऊपर नौकरी मिलने के बाद में वर्दी दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी। ये सभी सवालों के जवाब भी आपको यहां पर दिए जाएंगे, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जॉब्स ज्ञान। इसके ऊपर मैंने संपूर्ण जानकारी अपडेट कर दिए इस नोटिफिकेशन की, जो कि आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन से जानकारी चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहां पर नीचे आना है और नीचे आकर के आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर पंजाब रेजिमेंटल सेंटर एंड सिख रेजिमेंटल सेंटर, यानी कि दोनों के अलग अलग यहां पर पीडीएफ दिए हैं, तो आपको यहां पर आकर के इनके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे ही आप यहां पर इसको ओपन करेंगे तो आपको जानकारी जानने को मिलेगी। तो ये जो आपकी पंजाब रेजिमेंटल सेंटर की भर्ती है, ये आपकी ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर है, और जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आपकी झारखंड के अंदर होने वाली है। चाहे आप कहीं से भी अप्लाई करें, झारखंड के अंदर ही आपकी पोस्टिंग होगी और झारखंड के अंदर ही आपका जो एग्जाम है या फिर फिजिकल टेस्ट है वो होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपकी पोस्ट वाइज जानकारी के बारे में। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन ऐप के बारे में, जो कि आपके लिए लेकर के आया है नॉलेज बैटल चैंपियनशिप। और ये नॉलेज बैटल चैंपियनशिप आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है डिफेंस कैटेगरी। डिफेंस कैटेगरी से जो भी जुड़े हुए कैंडिडेट है या फिर डिफेंस कैटेगरी में जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए यहां पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी नॉलेज को बेहतर करने के लिए। क्योंकि यहां पर होगा बैटल फॉर द बेस्ट, यानी कि बेस्ट में से बेस्ट जानकारी आपको दी जाएगी। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी जाननी है तो आपको सिंपल सा काम करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आपको ये चैनल ज्वाइन करना है। यहां पर आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानने को मिलेगी। ये आपकी चैंपियनशिप 13 दिसंबर शाम 6 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैंपियनशिप को ज्वाइन करके यहाँ पर अपनी नॉलेज को अच्छे से बेहतर कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो आपकी पहली पोस्ट है कारपेंटर, जो कि ग्रुप सी की नॉन इंडस्ट्रियल नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के अंदर रखा है। इसके लिए एक पद है जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि कोई भी कैटेगरी इस पर अप्लाई कर पाएगी। एज आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी है। सैलरी आपको 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए इस पर आपसे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास की योग्यता मांगी है और बोला है कि जो वुड वर्क होता है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर आती है आपकी कुक की पोस्ट, इसके लिए 6 पद है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहां पर देख सकते हैं और कौन सी कैटेगरी के लिए क्या एज लिमिट है वो भी यहां पर दी गई है। बेसिकली एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल ही है, बस वो जो गवर्नमेंट रूल्स है SC ST को उसके साथ में 30 साल की उम्र तक अप्लाई करने का मौका मिलेगा और OBC को 28 साल की उम्र तक अप्लाई करने का मौका मिलेगा। सैलरी इस पर भी आपको सेम दी जाएगी और अप्लाई करने के लिए यहां पर आपसे 10वीं पास और साथ ही आपको बोला है कि आपको इंडियन कुकिंग जो होती है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। वॉशरमैन की पोस्ट है, इसके लिए 1 पद है। इस पर आपको 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर भी आपसे 10वीं पास की योग्यता और जो वॉश क्लोथ थ्रूली वेल, यानी कि आपको कपड़े अच्छे से धोने आने चाहिए। टेलर की पोस्ट है, इसके लिए 18 से 28 साल एज लिमिट, क्योंकि OBC कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का सवाल ये होगा कि सर मेरी कैटेगरी SC है और ये जो वैकेंसी है ये OBC के लिए, तो क्या करूँ। तो इसमें दोस्तों वही कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिसके लिए कैटेगरी में निकाली है, जनरल में कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा इस पर भी आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अब यहां पर दोस्तों आपको बताया कि कैसे आपको फॉर्म को सेंड करना है। आपको एक एनवेलप लेना है, उसके ऊपर आपको ये लाइन लिखनी है और फिर एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ के बाद उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये वो सभी डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको तैयार रखने हैं और इस फॉर्म के साथ में भेजने हैं, यानी कि इनकी फोटोकॉपी भेजनी है। सिलेक्शन के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है और इसी के अंदर आपको नीचे की तरफ आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा मिल जाएगा। मैं आपको इसका प्रोसेस इसी वीडियो में बता दूंगा, पहले आप दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो भी देख लीजिए। ये आप
आपका सिख रेजिमेंटल का, इसमें भी दोस्तों यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग है वो रामगढ़ कैंट झारखंड के अंदर ही होगी। इसमें LDC कुक और बुट मेकर की आपकी पोस्ट है। किसके लिए कितनी वैकेंसी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुक के लिए 4 है, LDC के लिए 1 है, बुट मेकर के लिए भी 1 है। सैलरी इस पर भी आपको सेम दी जाएगी। और अप्लाई करने के लिए LDC की पोस्ट पर 12वीं पास की योग्यता मांगी है, साथ ही आपको टाइपिंग आनी चाहिए जिसमें कि इंग्लिश टाइपिंग अगर आपको आती है तो 35 वर्ड यानी कि 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी की आती है तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। साथ ही इसमें आपसे डिजायरेबल रूप में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपको और भी महत्वता दे दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जो कि सिर्फ 12वीं पास की और टाइपिंग के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। कुक की पोस्ट पर भी 10वीं पास की योग्यता मांगी है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, बट ये कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल रूप में मांगा गया है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए आपकी 8 जनवरी 2022 रखी गई है। यहाँ पर वो आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जो कि आपको ध्यान में रखने और इस फॉर्म के साथ भेजने हैं। अभी आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, और अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें अप्लाई करने का तो आपको कैसे करना है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल सी जानकारी आपको भरनी है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ यानी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। आपका नाम आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर आपको आपका फोटो कलर चिपका देना है। फादर नेम लिखना है, परमानेंट एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर लिख दीजिए। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस से मतलब है परजेंट एड्रेस जो कि आपका फिलहाल का एड्रेस है। एक होता है परजेंट, एक होता है आपका परमानेंट। तो अगर आपका परजेंट और परमानेंट दोनों एक ही एड्रेस है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है लिखा है वही एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपनी लिख दीजिए। एज आपकी 11 दिसंबर 2021 तक कितने साल कितने महीने कितने दिन की होती है आपको एज कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देनी है, जैसे कि 18 ईयर या फिर 19 साल 12 महीने 2 दिन इस तरह से आपको लिखनी है। नेशनलिटी में आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। रिलीजन आपका जो भी है रिलीजन यहाँ पर आप लिख दीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध धर्म जो भी है बेसिकली लिख दीजिएगा। कास्ट आपको बतानी है SC ST OBC EWS जो भी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको बताना है 10, 12 जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो। एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो दे दीजिएगा, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। अगर आप एक्सपीरियंस दे रहे हो तो आपको उसकी फोटोकॉपी भी इसके साथ अटैच करनी होगी। अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल इनक्लोज्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो भी जानकारी आपने यहां पर भरी है और जो डॉक्यूमेंट्स आपको ऊपर दिए हैं इनमें से जो भी आपके ऊपर लागू होता है वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर इसमें आपको बायोडाटा भी देना है और उनकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। यहां पर पैलेस लिखना है जहां से आपने इस फॉर्म को भरा है, डेट लिखनी है किस डेट में भरा है, यहां पर आपको सिग्नेचर करने हैं, और फिर आपको जो तरीका यहां पर बताया है इसके माध्यम से अपने फॉर्म को सेंड कर देना है। फॉर्म आपको इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है जो कि यहां पर आपको दिया जा रहा है। लास्ट डेट यहां पर दी गई है, और इसके अलावा बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। 1 सेल्फ एड्रेस एनवेलप आपको भेजना है, और ये जो फॉर्म भेजना है आपको वो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। इसके बाद जो पंजाब रेजिमेंटल सेंटर का फॉर्म है ये भी सेम ही है, इसमें भी सेम तरह की जानकारी आपको भरनी है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर, यहाँ पर आपको आपका जो फोटो है वो लगाना है जो कि आपका गजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देनी है, आपकी उम्र कितनी हो जाती है इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक वो आपको यहाँ पर बतानी है। लास्ट डेट आपकी 8 जनवरी 2022 है। परमानेंट एड्रेस देना है, इसके अलावा आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन देनी है, कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी देनी है, आपकी कौन सी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको यहां पर लिख देनी है, डोमिसाइल आपका कहां का है वो आपको यहां पर लिखना है, साथ ही उसकी फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ भेजनी है, और यहां पर डेट लिख दीजिए कि किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, और यहां पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए। नीचे ऑफिस रिकॉर्ड के लिए आपको खाली छोड़ देना है, साथ में फॉर्म के आपको भेजना होगा, और जो ऊपर आपको प्रोसेस बताया इस माध्यम से आपको इस फॉर्म को सेंड कर देना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल से स्टेप्स यहां आपको दिए हैं, बहुत ही सिंपल जानकारी है जो कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। जो भी आपके ऊपर डॉक्यूमेंट लागू हो रहा है उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है, और जो लागू नहीं है वो आप छोड़ दीजिए कि हाँ मैं इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता तो मैं इसको क्यों अटैच करूं। तो इस तरह से आपको इनको अटैच करना है और फिर आपको इस फॉर्म को भेज देना है। ये भी आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा और इस एड्रेस के ऊपर भेजना है जो कि यहाँ पर दिया है। आपको लिफाफे के ऊपर ये लाइन लिख देनी है जो कि मैंने आपको बताई थी। तो यह था आपका पूरा प्रोसेस पंजाब एंड सिख रेजिमेंटल सेंटर भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में और भर्ती के बारे में। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, अगर आई है तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।